दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी का फी रिफंड का लिंक जो है एक्टिवेट हो चुकी है। अगर आप में से कोई भी कैंडिडेट आरआरबी एनटीपीसी का अगर आप सीबीटी वन एग्ज़ाम में अटेंड किए होंगे तो आप जरूर से अपना फी रिफंड यहां से कर पाएंगे, ठीक है। इसका लिंक जो है मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप चाहें तो डायरेक्ट जो है इसको ओपन करके जो है इसका फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। तो आप जैसे ही इसका ऑफिशियल वेबसाइट में आप यहां पे ओपन कीजिएगा तो कुछ इस प्रकार की आपका एक इंटरफेस ओपन होगी, जिसमें कि फर्स्ट में जो आपका यहाँ पर रोल नंबर होगा वो आपको यहाँ पर फिल करने के लिए बोली जाएगी। उसके बाद जो डेट ऑफ बर्थ होगा वो आपको यहाँ पर देनी है। नीचे में आपका ओटीपी आपको शो कर रहा है, तो अगर आपके रजिस्टर ईमेल या फिर रजिस्ट्रेशन जो आपका मोबाइल नंबर होगा उसमें अगर आपके यहाँ पे ओटीपी आई होगी 6 डिजिट की, तो वो आप यहाँ पे सिंपली से जो है फिल कर सकते हैं। अगर आपका रजिस्टर ईमेल या फिर रजिस्टर मोबाइल नंबर में आपका ओटीपी नहीं आई होगी तो आप सिंपली से जो आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि जो नोट रिसीव ओटीपी आपको यहाँ पे शो कर रही होगी इसमें आपको सिंपल सी क्लिक कर देनी है, ठीक है। तो जैसे ही आप यहाँ पे जो नोट रिसीव ओटीपी में क्लिक करते हैं तो कुछ आपका एक इस प्रकार से जो है नेक्स्ट इंटरफेस ओपन होगी, जिसमें कि आपका मैट्रिक रोल नंबर एंड फादर्स नेम ये दोनों आपको यहाँ पे जो है फिल करने के लिए बोली जाएगी। तो ये आपको वही फिल कर लेनी है कि जो एप्लीकेशन फॉर्म को भरने के टाइम जो यहाँ पे रोल नंबर जिस प्रकार से यहाँ पे फिलअप किए थे उसको आपको देनी है। उसके बाद सिंपल से जो नीचे में आपका यहाँ पे कैप्चा आपको यहाँ पे शो कर रहा है उसको यहाँ पे फिल कर लेनी है। देन आपका नीचे में लॉगिन का बटन आपको यहाँ पे शो कर रहा होगा, इस लॉगिन के बटन को जो है आपको यहाँ पे सिंपली से क्लिक यहाँ पे फिल करके जो है क्लिक कर देनी है, ठीक है। तो जैसे ही आप यहाँ पे लॉगिन के बटन को यहाँ पे क्लिक करते हैं तो कुछ नेक्स्ट जो है आपका इस प्रकार की इंटरफेस यहाँ पे ओपन होती है। तो इसमें जो है आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि फर्स्ट में आपका फादर्स नेम, जो आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी ये आपका यहाँ पे जो है शो करेगा। जैसे ही आप इसमें लॉगिन करते हैं वैसे ही जो है आपका इस प्रकार की इंटरफेस ओपन हो जाएगी। एंड लेफ्ट साइड में आपका रोल नंबर्स, आपका नेम जो और मदर्स नेम ये सारी डिटेल्स जो है आपको यहाँ पे जो है शो करेंगे। सिंपल सी आपको यहाँ पे जो बैंक नेम, आप जिस भी बैंक में आप जो है अपना फी को रिफंड करवाना चाहते हैं वो आपको यहाँ पे जो है भर लेनी है। जो आप बैंक नेम लाइक यहाँ पे SBI, बैंक ऑफ इंडिया जो भी यहाँ पे देना चाहें वो आप दे सकते हैं। उसके बाद आपका अकाउंट नेम जो होल्डर नेम है वो आपको यहाँ पे देनी है, IFC कोड देना है, अकाउंट नंबर आपको यहाँ पे देनी है। एंड नीचे में आपका कंफर्म अकाउंट नंबर जो यहाँ पे ऊपर में फिल करते हैं अकाउंट नंबर, उसी को कंफर्म अकाउंट नंबर में भी जो है आपको यहाँ पे सेम आपको यहाँ पे फिल कर देनी है। उसके बाद ब्रांच नेम, जो भी आपका ब्रांच होगा वो आपको यहाँ पे जो है फिल कर देनी है। देन नीचे में आपका यहाँ पे नेक्स्ट का बटन आपको यहाँ पे शो कर रहा होगा, सिंपल से जो है आपको नेक्स्ट बटन में यहाँ पे आपको क्लिक कर देते हैं। तो जैसे ही आप यहाँ पे नेक्स्ट बटन में यहाँ पे क्लिक करते हैं तो कुछ इस प्रकार के जो है नेक्स्ट इंटरफेस यहाँ से जो है आपको यहाँ पे ओपन होती है। नेक्स्ट करने के बाद जो है आपका कुछ इस प्रकार की इंटरफेस ओपन होगी, जिसमें कि सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे जो है मेंशंस रहेगी। इसमें यहाँ पे जो बताया कि द रिफंडेबल पोर्शंस ऑफ एग्जामिनेशन फीस शैल बी रिफंडेड ड्यूली डिडक्टिंग बैंक चार्जेस एज एप्लीकेबल। तो यहाँ पे आप लेफ्ट साइड में देख पा रहे कि जो है आपका यहाँ पे क्लिक कर देनी है, ठीक है। आपको यहाँ पे पूरी डिटेल्स आपको यहाँ पे शो कर रही है, जो भी आप यहाँ पे इससे पहले यहाँ पे भरे थे, यहाँ पे किस अकाउंट नंबर में आप यहाँ पे फिर रिफंड करना चाहते हैं, यहाँ पे अकाउंट नंबर, आपका डिटेल्स, बैंक सभी आपको यहाँ पे शो करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप जो है एक बार अच्छी तरह से चेकआउट कर लीजिएगा कि जो आप यहाँ पे डालें वो सब सही है या फिर नहीं। उसके बाद नीचे में आप देख पा रहे कि जो एडिट का ऑप्शन आपको यहाँ पे शो कर रहा है, तो अगर आप यहाँ से मॉडिफाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे एडिट कर सकते हैं, नहीं तो सिंपल सी कन्फर्म एंड सबमिट का बटन आपको यहाँ पे शो कर रहा होगा उसमें आपको यहाँ पे क्लिक कर देनी है। तो जैसे ही आप यहाँ पे कंफर्म एंड सबमिट बटन को अगर आपका पूरी जो अकाउंट नंबर ये सब सारी यहाँ पे जो है आपका सही होगी तो आप सिंपल से जो है सबमिट बटन में क्लिक कर दीजिएगा कंफर्म बटन में। तो कंफर्म बटन में क्लिक करने के बाद जो है कुछ इस प्रकार की जो है आपका नेक्स्ट इंटरफेस ओपन होगी, जिसमें कि आप यहाँ पे देख पा रहे कि यहाँ पे जो बताई गई है कि बैंक डिटेल्स सेव सक्सेसफुली। तो यहाँ पे जो बैंक डिटेल्स यहाँ पे जो है आप यहाँ पे फिलअप किए वो जो है आपका यहाँ पे सक्सेसफुली यहाँ पे जो है सेव हो चुकी है, ठीक है। ऊपर में अब भी आप यहाँ पे देख पा रहे कि यहाँ पे जो दी गई कि बैंक डिटेल्स सेव सक्सेसफुली। तो इस प्रकार से जो है आप अपना बैंक डिटेल्स को सक्सेसफुली से यहाँ से जो है सेव कर सकते हैं। उसके कुछ दिनों बाद जो है आपका जो आप इस जो यहाँ पे अकाउंट नंबर देते हैं उसमें जो है आपका फी रिफंड कर दी जाएगी। बस सिंपल सी इसी प्रकार से जो है आप अपना फी रिफंड का जो है यहाँ पे फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो आई होप कि वीडियो आपको लोगों को पसंद आई होगी।